भले ही विपक्ष नोटबंदी के फैसले को मोदी सरकार के खिलाफ बता रहे थे और लगातार सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सर्वे हो रहे हैं उसकी तो वास्तविकता ही अलग है। नोटबंदी के फैसले के बाद हुए सर्वे में मोदी सरकार की लोकप्रियता कायम है। इस सर्वे के मुताबिक अगर मौजूदा हालात में आम चुनाव हुए तो एनडीए को 360 सीटें मिलेंगी। इसमें खास बात ये है कि 305 सीटें अकेले बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। इसके साथ ही यूपीए को 60 सीटें जबकि अन्य को 123 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 42% वोट मिलेंगे, वहीं यूपीए को 25%, जबकि अन्य की झोली में 33% वोट जा सकते हैं। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब भी कायम है। 65% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अपना सबसे पसंदीदा उम्मीदवार माना। राहुल गांधी को महज 10% लोगों ने अपनी पसंद बताया है, तो 4% लोग सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इस सर्वे में लोगों ने मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले की सराहना की है। सर्वे में शामिल 45% लोगों की राय है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, जबकि 35% का मानना है कि ये कदम अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। इस तरह 80% लोगों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले के पक्ष में अपना मत रखा। ऐसे में सर्वे को देखकर तो यही लग रहा है कि विपक्ष पर जनता का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और नोटबंदी जैसे अहम फैसले पर सरकार के साथ जनता खड़ी है और मोदी का करिश्मा अब भी कायम है।